हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेल्दी फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होता है और साथ ही में वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है। साथ ही में जो अनहेल्दी फूड है वो उतना ही हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक भी होता है। तो ये सभी चीजें हम सभी जानते हैं, राइट? लेकिन गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी हेल्दी फूड्स भी हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक बन जाता है अगर उनको लेने का समय और तरीका जो है वो सही ना हो तो? तो आज के ये वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या फिर ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनको अगर हम गलत समय पे लेते हैं तो वो हमारे शरीर में फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके लिए कोई एज ग्रुप जो है वो फिक्स नहीं है। बिकॉज हम सभी कभी ना कभी कोई आइटम जो है वो कुछ ना कुछ समय पे खा ही लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जो है वो नुकसानकारक कभी कभी भी हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है बनाना, यानी कि केले के बारे में। तो जो बनाना जो होता है उसमें हमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। तो उसमें पाए जाने वाला जो मैग्नीशियम है, तो अगर आप बनाना को सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये जो मैग्नीशियम है वो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, यानी कि आपका जो हार्ट का जो सिस्टम है उसके ऊपर वो बैड इफेक्ट्स डालने लगता है। उसमें अगर आप लंबे समय तक धीरे धीरे करके आप उसको खाते चले आ रहे हैं तो ये आपके बीपी को भी फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी कि आपके हार्ट को ये ट्रबल भी कर सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा करना छोड़ दें। अगर दोस्तों हम बात करें कि उसको खाने का बेस्ट टाइम जो है वो कब होता है, तो उसको आप ब्रेकफास्ट के बाद यानी कि नाश्ता करने के बाद भी आप केला खा सकते हैं या फिर आप उसको इवनिंग में भी खा सकते हैं, लेकिन उसको खाली पेट कदापि ना खाएं। दूसरा जो फ्रूट्स है उसकी बात करें तो जो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तो सिट्रस फ्रूट जो है वो बहुत ही खट्टे होते हैं, तो वो हमें खाली पेट कदापि नहीं खाना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, तो ये सभी फ्रूट में से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। लेकिन अगर आप ये फ्रूट्स को खाली पेट खाते हैं तो आपको हार्ट बन है, खट्टी डकार है, तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप इसको लंबे समय से खाते आ रहे हैं तो आपको अल्सरेशन है, गैस्ट्राइटिस है, ऐसी बीमारियां भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे सिट्रस फ्रूट्स को खाली पेट कदापि ना खाएं। अगर आप ये फ्रूट्स को खाना चाहते ही है तो आपको इसको मिड मील में यानी कि नाश्ता करने के बाद आपको और इसको शामिल करना चाहिए। तो इसको खाली पेट खाना बिल्कुल भी आप लोग उसको अवॉइड करें। अभी जो थर्ड आइटम है वो है बेकरीज आइटम। तो बेकरीज आइटम जैसे कि अगर आप समझ ले पेस्ट्रीज है या फिर कोई और आइटम है जिसमें ईस्ट पड़ी होती है, तो ऐसी चीजें हमें खाली पेट कभी भी ना खानी चाहिए। तो उसमें जो ईस्ट होती है उसकी वजह से लोगों में देखा गया है कि उसकी वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत बार ऐसे लोगों में ऐसी कंप्लेंट भी देखने को मिलनी है कि उन लोगों को पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है और साथ ही में गैस बनता है या फिर एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होता है। तो ऐसी तरह की कई अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वो भी देखने को मिली है अगर आप ये ऐसी ईस्ट वाली चीजें जो है वो खाली पेट खा रहे हैं तो। उसके बाद जो फोर्थ थिंग है वो है स्वीट्स और चॉकलेट्स का इंटेक करना खाली पेट। अगर बहुत सारे लोगों की मैंने देखा है नॉर्थ साइड में स्पेशली की आदत होती है कि सुबह उठ के ही स्वीट्स खाते हैं खाली पेट और तो उसके बाद तुरंत ही पानी पी लेते हैं। मॉर्निंग में स्वीट्स खा के पानी पीते हैं तो उन लोगों में देखा गया है कि स्वीट शुगर का जो लेवल है वो अप आ जाता है। खास करके ये उन लोगों में प्रॉब्लम कर सकता है कि जो लोग डायबिटिक है स्पेशली, तो वो लोगों को ऐसा कभी भी ना करना चाहिए कि स्वीट्स का इंटेक जो है वो सुबह खाली पेट करें। इनके साथ ही साथ ये हमारे शरीर में जो एसिड बेस का जो बैलेंस होता है ये बिगाड़ने में भी एक ये रोल प्ले करता है। तो अगर आप सुबह खाली पेट स्वीट्स का इंटेक कर रहे हैं तो प्लीज ये छोड़ दें। इसके बाद फिर हम जो फिफ्थ देखेंगे वो है वेजिटेबल, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो इसको हम सलाड्स में यूज करते हैं वो है खीरा, कुकुम्बर यानी कि काकड़ी।
आप जो भी चाहे वो नाम से आप उसको बुला सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि उसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं और ये हमारे बॉडी में वेट लॉस करने में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह खाली पेट ये कुकुम्बर या फिर ककड़ी खा लेते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में ककड़ी में फाइबर्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में जो स्टमक होता है उसमें स्टमक जूस जो रहता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है सुबह सुबह। तो वो सुबह सुबह अगर आप ऐसा कुकुम्बर या फिर काकड़ी खाओगे तो ऐसे जो हाई फाइबर वाले जो भी रहता है तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसके परिणाम के स्वरूप ये आता है कि आपको डाइजेशन का इश्यूज हो शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुकुम्बर खाने का बेस्ट टाइम है कि अगर आप उसको खाना चाहते हैं तो आप उसको लंच में या फिर डिनर के साथ आप उसको खाए। सुबह खाली पेट कभी भी कुकुम्बर या फिर ककड़ी का सेवन ना करें। तो अभी हम बात करेंगे सिक्स चीज की, तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो मम्मियाँ होती हैं वो बच्चों को सुबह उठते ही एक ग्लास दूध का पिला देती है। तो प्रॉब्लम क्या है अगर हमने एम्प्टी स्टमक एक ग्लास दूध का लिया तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो मिल्क में से मिलने वाले जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं तो वो धीरे धीरे करके उनकी जो कमी है वो थोड़ी थोड़ी करके होने लगती है। तो क्यों कमी आने लग जाती है, तो हमारे स्टमक में जो जूस होता है वो उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको खाली पेट एक ग्लास दूध का सेवन जो है वो आपको कभी भी नहीं करना है और ना ही आपको बच्चों को भी देना है। तो आपको इसको कब लेना है, तो आपको नाश्ते के बाद यानी कि नाश्ते के तदुपरांत आप तुरंत ही जैसे ही आपने नाश्ता ख़त्म किया तो आप तुरंत एक ग्लास दूध जो है वो आप पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा जैसे ही आप नाश्ते के बाद दूध पिएंगे। लेकिन खाली पेट कदापि दूध का सेवन जो है वो बिल्कुल भी ना करें और बच्चों को भी कदापि खाली पेट दूध ना दे। तो जितनी भी मैंने आप लोगों को चीज़ों बताई तो ये सभी चीज़ों का आप लोग ख्याल ज़रूर रखें और जितने भी चीज़ें आप लोग खाली पेट अगर लेते आ रहे हैं तो उसको खाली पेट लेना बंद करें। और अगर आप ये सभी चीज़ों को खाली पेट लेना भी सोच रहे थे तो खाली पेट कदापि ये सभी चीज़ों को ना ले। तो आई होप आप लोगों को आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दे और ये मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। I will meet you all in my next video. Thank you for watching.